हमारे गाड़ी में एकदम जैसे बम फटता है ऐसे बम फट गया जी, पूरी बस में आग हो गई जी, पूरी पूरी बस में पूरी आग फैल गई दीदी। कम से कम 25 नंबर सीट पे था ये। कितनी सवारियां थी बस में? 25-30 जी। ये जो बस है ये सोनीपत से चंडीगढ़ के लिए चली थी, लगभग 12 बजे के आसपास सोनीपत से चली है, तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ है। अभी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कर रहे हैं, आईबी की टीम यहाँ पर है, सीआईडी की टीम, टेक्निकल टीम जो है वो भी यहाँ पर है। सामान भी मिला है, कुछ बैटरी वगैरह मिली? हाँ, कुछ सामान वगैरह मिला है उसके, वो सारा अगेन कार्ड कूड़ा वगैरह मिले हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के, वो एविडेंस एक तरीके से आई कांट शेयर डिटेल्स, वो सीएम साहब करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेट अस सी, पैटर्न थोड़ा सिमिलर। पाकिस्तान वाली बस भी थोड़ी देर के बाद आई थी? हाँ जी, हाँ जी। हो सकता हो तो? नहीं, वैसा तो लगना तो नहीं चाह रहे, क्योंकि लगभग उसका जो गैप है लगभग 1.5 घंटे का गैप है, और 1.5-2 घंटे। पानीपत में भी ट्रेन में 2 बार इसी तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं? हाँ, थोड़ा सा पैटर्न सिमिलर हमें लग रहा है प्राइम एफ एस आई, बाकी अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेशन। अपने घर के लिए जा रहा था और उधर से करनाल की तरफ से एक बस आ रही जिसके अंदर मान ले काफ़ी धुआं उठ रहा था, तो मैंने तुरंत गाड़ी को रोक करके, इतनी देर में बस रुकी तो मैं बस की तरफ दौड़ा तो देखा काफ़ी सवारियां मान ले इनका चोट लगी हुई थी, जड़े हुए थे कुछ, उनको दबा दबा मान ले लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुँचाया और तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई तो आग मान ले पानी मरवाया बस में। तो क्या ज़्यादा आग लगी हुई थी? जब मैं मौके पर तुरंत पहुँचा तो मान ले उस टाइम मैंने सवारियों को नीचे उतारा, लोगों में हड़बड़ाहट थी काफ़ी।